स्ट्राइक देने वाला का असलियत बहुत जल्द चल जाता है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। तुम लोग क्या समझते हो कि इन लोग जो लोग हम लोग वीडियो बना रहे हैं मेहनत नहीं करते? बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अरे आप लोग अगर मेहनत करोगे ना, अगर इतना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुड्डी रानी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों आजकल देख रहे हैं स्ट्राइक के बारे में क्या क्या चल रहा है, और यूट्यूब पे बस स्ट्राइक स्ट्राइक का बात चल रहा है। और स्ट्राइक देने वाला का अगर पता चल जाएगा तो उसका अंजाम क्या होगा वो खुद जानेगा। तो आजकल आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे क्या चल रहा है स्ट्राइक को लेकर। सारे लोग एकदम भौंक लिया गए हैं, सारे लोग एकदम क्या होता है ना, क्या हल्ला कर रहे हैं। आप लोग तो देख भी कर रहे हैं, मैं क्या बोल सकती हूँ। तो दोस्तों हम बता दें कि स्ट्राइक किसी को ऐसे नहीं दिया जाता है, नहीं कहा जाता है, क्योंकि आप लोग जानिए कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, पूरा दिन खाना नहीं खाते हैं, एक और दो और सुबह में खाना खा लेते हैं। और खाना खा कर दिन भर हम लोग अपने वीडियो के पीछे पड़े रहते हैं, वीडियो बनाते हैं। इतना ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, इतना काफ़ी हम लोग मेहनत करने के बाद इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर बिटोरते हैं हम लोग, सबका फैन फॉलोअर बनते हैं हम लोग, सबकी पसंदीदा बनते हैं। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमारे इतना सब्सक्राइबर होते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। हम बता दें कि हम कहते हैं इतने बड़ी बड़ी औरतें सब लोग वीडियो बना रहे हैं, इतना मेहनत करती हैं लोग, हम इतना मेहनत करते हैं, हम जानते हैं क्या दर्द होता है। वीडियो बनाना कोई खिलौना नहीं है, इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है वीडियो बनाना, बहुत मेहनत लगता है। मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मेरा तो पैर दर्द होने लगता है दोस्तों, पैर दर्द होने लगता है, कमर दर्द होने लगता है डांस करते करते, और पूरा मतलब मेरे पैर में झंझनाहट होने लगती है। मतलब बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग क्यों करते हैं इतना मेहनत? इसलिए करते हैं कि हम लोग का एक होता है ना, एक हम लोग का ये बिजनेस है, समझिए। हम लोग इस पर काम करें, अपना रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहीं ड्यूटी लग जाता है, हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो उसी तरह हम लोग समझ जाइए दोस्तों, हम लोग इस पर ड्यूटी करते हैं, ठीक है। तो इनको हम जैसे, अब एक बात और बता देते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग खाना रोज़ खाते हैं ना, पेट में दर्द होता है, खाना खाते हैं पेट भर जाता है, ऐसे ही सेम यही कंडीशनर है इसमें, कि अगर हम लोग रोज़ खाना खाते हैं तो रोज़ भी वीडियो आपको देना होता है। जैसे कि हम लोग इस पर मेहनत ज़्यादा करते हैं, रोज़ देते हैं वीडियो, ठीक है, और इसलिए वीडियो देते हैं कि हमारे फैन फॉलोअर जो भी हैं सब्सक्राइबर लोग, दीदी भैया चाची बहनी और जितने हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं सबको प्रणाम, कि आज उन लोग उनके लोग की वजह से हम लोग इतना ज़्यादा आगे जाते हैं, वीडियो देखते हैं लोग, इतना ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा हम लोग को मेहनत जो करते हैं उसका सफलता देते हैं लोग, उन लोग को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम लोग मेहनत करते तो वही ना देखते हैं लोग। तो इतना मेहनत करने के बाद हम लोग सब्सक्राइबर जुटाते हैं, हम लोग वीडियो वायरल मतलब हम लोग का धीरे धीरे होने लगता है। तो दोस्तों एक बात बता दें, किसी का घर फोड़ के, किसी का स्ट्राइक दे के, किसी का मतलब हैक करके आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। हम बता दें कि आप कभी ज़िंदगी में खुश ही नहीं रह पाओगे, इसलिए नहीं रह पाओगे ना, कि जो लोग मेहनत इतना किए हैं, जिसका अगर स्ट्राइक आ जाए कुछ भी हो जाए उसको तो लोग छोड़ेंगे, भगवान नहीं छोड़ेगा, बस ऊपर वाला के हाथ में है, ठीक है। मानते हैं आप खुश रह जाओगे किसी को स्ट्राइक देख के, या ऑलरेडी वैसे मेरा तो स्ट्राइक चली रहे, क्या बताएं सर दोस्तों, वैसे हम खुद टेंशन में हैं। हाँ स्ट्राइक देने वाले को हम बता दें कि किसी का घर उजाड़ के, किसी को स्ट्राइक दे के आप अगर खुश रहते हैं तो नहीं, कभी नहीं,
ये अभी नहीं चलेगा पता ना, बाद में पता चलेगा किसी गरीब लड़की का रोवा दुखाओगे, किसी गरीब लड़की का तुम स्ट्राइक दोगे या वीडियो उड़ाओगे या हैक करोगे वगैरह वगैरह करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा बद्दुआ लगेगा तुम्हें, ठीक है। तुम लोग को बहुत ज़्यादा बद्दुआ लगेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि देखिए जो वीडियो बना रहा है, मेहनत कर रहा है, किसी के भी वीडियो पे किसी के खिलाफ किसी को गाली मत दीजिए आप लोग, है ना, किसी का बुरा भला जे। आप देखिए कई लोगों का देखे, अभी आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं कि स्ट्राइक सबका आया हुआ है, एक 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 सबका मतलब जो भी है आ रहा है, तो ये दिक्कत हो रहा है ना, हम लोग को भी टेंशन है, मेरे को भी तो ऐसा मेरे साथ भी किए हैं लोग, तो क्या करें, बस माता रानी पे विश्वास रखते हैं, किसी गरीब को रोवन दुखा के और तुम स्ट्राइक दे के किसी का कुछ वो नहीं कर सकोगे, बस यही करोगे, बीच कमाओगे, पैसा कमाते, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहना, पैसा बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला ऐसा दंड देगा ना कि तुम लोग सुधर जाओगे एकदम, बस। तो हम यही कहना चाहते हैं दोस्तों, आज मैं फाइनली गोरखपुर आ चुकी हूँ रूम पे, घर पे थी तो मेरा नेटवर्क वगैरह बहुत स्लो चलता था, और मैं आज ही अभी आई हूँ, मेरा ब्लॉग सुबह से ही नहीं पड़ा हुआ है, मैं अभी रास्ते में थी और मैं अभी डालने जा रही हूँ, आप देखिए प्यार आशीर्वाद दीजिए आप लोग, और कल मैं फिर अयोध्या जी जा रही हूँ, अयोध्या जी मम्मी को लेकर घुमाने, सभी लोग को, मौसी वगैरह सब लोग जा रही हैं, लो दीदी मम्मी मौसी, और हम आज गोरखपुर आए, कल सुबह निकल जाएंगे अयोध्या जी, तो हमारे गुट्टी रानी ब्लॉग में आप लोग बने रहें और वहाँ का वीडियो देखिए अयोध्या जी का, ताकि आप लोग को हम जानते हैं बहुत पसंद आएगा, वहाँ का रामलला का दर्शन हम लोग करने जाएंगे, मम्मी के दर्शन कराएंगे, मौसी को घुमाएंगे, दर्शन कराएंगे, दीदी बहन सब लोग जा रहे हैं, कल सब लोग निकलेंगे, हम भी निकलेंगे दोस्तों, तो आप लोग को भी वीडियो के माध्यम से रामलला का अपने दर्शन कराऊंगी, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगा वहाँ तक आप लोग को दर्शन जरूर कराऊंगी दोस्तों। तो मैं कल अब अयोध्या जी निकलने जा रही हूँ, आप लोग मेरे वीडियो में देखिएगा जरूर, और दोस्तों बता दें किसी का स्ट्राइक को स्ट्राइक नहीं देना चाहिए, किसी के कंट्रोवर्सी कहते हैं ना, ये लोग खेल रहे हैं, लोग स्ट्राइक इस पे दे रहे हैं, तो ये सब करना आप लोग बंद कर दीजिए, ठीक है, स्ट्राइक वगैरह देने के लिए बंद कर दीजिए आप लोग, क्योंकि जानते क्या होता है, अगर पता चलेगा, वो तो पता चल ही जाता है कि कौन मारा है कौन क्या किया है, वो तो पता चल जाता है, तो लोग अगर मंदिर में जाएंगे या कहीं जाएंगे तो अपने आत्मा से दिल से रोएंगे और कहेंगे, तो कितना ज़्यादा बदला उस इंसान को लगेगा जो कि एक अच्छे कलाकार को इतना मेहनत करने के बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर होता है या जो भी है 15,000 2,000 जो भी है जिसके लिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके लिए 2,000 3,000 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, हम बता दें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे, अगर बदुआ बहुत ज़्यादा लगेगा जो भी है, किसी को स्ट्राइक आप लोग मत दीजिए, और जैसे पहले लोग मिला के रहते थे, वीडियो बनाते थे, जैसे सब लोग खुश रहते थे, वैसे ही आप लोग अभी भी खुश रहिए और मिला के रहिए, किसी का नाम मत रखिए, किसी के कांटेक्ट में किसी को बोल के कड़वा शब्द या किसी का नाम दे के किसी का गाली दे के, ये सब गलत बात है, गाली वगैरह नहीं दिया जाता है, गाली वाली आप लोग मत दीजिए किसी को, ठीक है, और स्ट्राइक जो खेल आप लोग खेल रहे हैं वो सब बंद कर दीजिए, किसी को स्ट्राइक देने से आप बड़े नहीं हो जाओगे, हाँ किसी के स्ट्राइक से वो नहीं हो पाएगा, हो कर पाओगे आप लोग, ठीक है, बस जो मेहनत कर रहा है उसको करने दीजिए आप लोग, बस हम यही कहेंगे दोस्तों कि आपस में आप लोग मिलजुल के रहिए, किसी को स्ट्राइक देने का वाला काम मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। अब देखिए कुछ लोग का चैनल कितने दिन चला गया था, ऐसे ऐसे मतलब वापिस आया, मुझे बहुत खुशी है, मैं तो वीडियो देखती हूँ, तो बता दूँ आप लोग दीदी बहनी जो भी हैं भाभी, आप लोग अच्छे से रहिए और वीडियो अपने कंटेंट पर आप लोग बनाइए और वीडियो डालिए, लेकिन हाँ अगर आप लोग को पता चल रहा है कि कौन इसके जड़ है स्ट्राइक देने वाला जो भी है, उसे आप लोग लड़िए, बोलिए, झगड़िए मत, बोलिए कि आप ऐसा क्यों किए, काहे नहीं किए, तो पता चल ही जाता है, पर नहीं करना चाहिए, हमारे माध्यम से तो हम कहना चाहते हैं कि नहीं करना चाहिए,
लेकिन जिस जो मेहनत करता है, जिसका चैनल चला जाता है या उतना मेहनत पे पानी फिर जाता है, तो बहुत कष्ट होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। ठीक है तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हमारा गुड्डी रानी ब्लॉग चैनल आप लोग ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, इस गरीब लड़की को आप लोग सपोर्ट करिए और सहायता करिए। और मेरा एक चैनल और है गुड्डी रानी ऑफिशियल, उसको भी आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिए। आप प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैंने गलत कहा या सही कहा, इसका कमेंट में आप लोग अपनी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम।